सो है गाइस, हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं अघोरेश्वर भगवान राम घाट, जो कि राजघाट के बगल में ही है। और आप इधर मेरे बगल में देख सकते हैं कि अघोरेश्वर ओल्ड एज होम है। और अभी हम लोग अघोरेश्वर घाट पे हैं, तो हम आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अभी धूप हो गया अचानक से, तो धूप धूप है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ का व्यू। और आ देख रहे हैं इधर ये जो ये सारा एरिया, यहाँ पे पानी आ चुका था जब बाढ़ आया हुआ था। तो और हम आपको नीचे से ही जो है राजघाट के ऊपर का जो राजघाट का पुल है उसका व्यू दिखाएंगे, नीचे से जो भी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का व्यू है। तो क्योंकि ये घाट उतना अभी फेमस नहीं है और यहाँ पे लोग उतना आते भी नहीं है, तो एकदम खाली खाली रहता है। और यहाँ पे उतना कंस्ट्रक्शन का भी कार्य नहीं किया गया है, बस ऐसे ही है नॉर्मल। क्योंकि जो भी है घाट उसी साइड है, तो आप सामने देख सकते हैं इधर जो है रेती वेती जो है उसको बराबर किया जा रहा है। और आप इधर देख सकते हैं उधर वो सामने देखिए वो सारा घाट है। और वहीं पे आप देख रहे हैं वहीं पे जो वरना नदी आई हुई है वहीं पे आके मिली हुई है गंगा नदी से। और इधर जो ये सारा अभी घाट जो है कार्य, घाट का कार्य चल रहा है, अभी घाट बन रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि ये सामने नमो घाट है, शायद आपको दिख रहा होगा धूप होने की वजह से थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो ये सामने नमो घाट है। और आप इधर देख सकते हैं कि ये राजघाट का पुल है। देखिए राजघाट का पुल का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर आ रहा है, और बादल का भी जो व्यू अच्छा है। और आप मैं जो आपको बता रहा था अघोरेश्वर ओल्ड एज होम, ये यही है। देखिए ये उसका बाउंड्री है, और इसके अंदर जो है ये ओल्ड एज होम है, तो ये सारा उसी के अंडर में आता है। इसमें सारा जो भी पेड़ पौधे अच्छे से लगे हुए हैं, सारा कुछ है। देखिए अभी जो है बादल भी छा गया है, उधर धूप है इधर धूप नहीं है। अब देख सकते हैं अब तो गंगा नदी का पानी जो है घट गया, नहीं तो क्या था कि पानी पूरा ऊपर तक आया था। अब जो देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है और पूरा ऊपर तक पानी आया हुआ, तो पानी पूरा भर गया था, लेकिन अभी जो है पानी नीचे जा चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो है गंगा नदी में पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है और हवा भी चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि आपको मेरा वॉइस जो है क्लियर ना आए। तो आप देख सकते हैं अभी हम जो है रेती पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ये रेत है कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं ये घाट के सामने का मतलब ऊपर का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बस वही थोड़ी सी बनी, मतलब बहुत ज़्यादा बनी नहीं है। हाँ, यहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था अच्छा किया गया है। और आप उधर देख सकते हैं अघोरेश्वर भगवान का मंदिर है सामने, और जो है वो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें वैसे तो नॉर्मल कोई जा नहीं सकता है, लेकिन उसमें घूमना तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइमिंग है जो कि मुझे अभी पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बाहर कोई बोर्ड वगैरह लगा नहीं था, इस वजह से मैं देख भी नहीं पाया। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं इधर सारा कुछ है। देखिए यहाँ पे अरविंद जी हैं जो कि फ़ोन चलाते हुए आ रहे हैं, देख सकते हैं। अब देखिए ये सारा गड्ढा है और रेत भी काफ़ी ऊपर आ चुका है क्योंकि बाढ़ आया हुआ था। तो और अभी हम आपको गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इस वजह से हम आपको नमो घाट का भी एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे, लेकिन अभी तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ अगला वीडियो हम आपको नमो घाट का दिखा देंगे एक प्रॉपर तरीके से बना के। और चलिए हम आपको राजघाट का पुल नीचे से दिखाते हैं। देखते हैं कि अघोरेश्वर भगवान का मंदिर है, और अभी हम लोग के लिए आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं, मतलब कि अब रेत पे से आगे जाने लायक नहीं है, तो हम लोग चलकर ऊपर से सीढ़ियों पर से चल के आपको सारा व्यू दिखाएंगे। और ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये अब के ज़माने का टाइटेनिक जहाज़ है जो कि रेत सारा ढक चुका है। सॉरी मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये जहाज़ मतलब इसी हिसाब से डूबा हुआ है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि जो टाइटेनिक मूवी में दिखाया गया था ये वही शिप है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा रेत से ढक गया है बाढ़ आने की वजह से। और आप देख सकते हैं इधर शिप लगा हुआ है, नावें सारी लगी हुई हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए हम आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं, ठीक है। और वो सामने आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, उसकी कुछ खासियत है, मैं आपको चल के पास से दिखाता हूँ। वो देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, तो आप भी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए भी हम ऊपर आ चुके हैं, तो चलते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग काफ़ी दूर से हैं, उधर से एकदम बहुत दूर से। आप देख सकते कि ये अंदर का व्यू है, देखिए यहाँ पे एक इसको ये इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑक्स ऑक्स ओ हाँ ऑक्स बोला जाता है।
तो ये वहीं देखिए यहाँ पे घास वगैरह चरा है, जिसे कि नंदी महाराज भी बोल सकते हैं। दोस्तों आप सामने जो गेट देख रहे हैं ये जो है घाट पे आने के लिए और मंदिर में जाने का मुख्य जो है रास्ता है, लेकिन अभी ये जो है बंद है। तो हम लोग जो है साइड से आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक बरगद का पेड़ है जो कि यहाँ पे ये बांस लगाए ताकि जो है डार वगैरह सब टूटे ना और नीचे ना आए, इस वजह से लगाया है सुरक्षा को देखते हुए। देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मतलब भगवान जी का मूर्ति वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हैं। ये पेड़ जो है काफ़ी घना और काफ़ी विशालकाय है। इधर देख सकते हैं उधर ये सारी जो है ये इधर जो भी ये बस्ती है, और आप इधर देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं क्योंकि इधर से ये डायरेक्ट एकदम नीचे, इधर सीढ़ी नहीं है, इधर बगल में डायरेक्ट है। आप तो देख सकते हैं इधर जो भी है, देखिए नहीं कभी हुआ है, आप देख सकते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये सामने राजघाट का पुल है, देख सकते हैं। और इस पर जो है रिपेयरिंग का भी कार्य लगा हुआ है, लोग जो है मतलब रिपेयरिंग के काम इस पर कर रहे हैं। और आप इधर से देख सकते हैं इधर का व्यू है, हम लोग इधर ही गए थे। और ये यहाँ का जो मैं आपको अभी विशाल का पेड़ दिखाऊँ ये है, और इधर जो है ये बस्ती सारी है। इधर से आने का रास्ता नहीं, जो मैं आपको पहले उधर से गेट वाला रास्ता दिखाऊँ उधर से आने जाने का रास्ता है, उधर ये सारी बस्तियाँ हैं और ऊपर जो है अभी रिपेयरिंग का कार्य लगा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं ये लग्जरी शिप है जो कि अभी इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर जो है रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और यहाँ देखिए ट्रेन भी जा रही है, अब देख सकते हैं देखिए लोग यहाँ पे हैं खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और हम लोग अभी इधर ही से आ रहे हैं, सामने से हम लोग होकर आए हैं, तो भी हम लोग चलते हैं घर और मिलते हैं फिर और भी कुछ नई चीज़ें लेकर आप आते हैं आपके सामने। इधर देख सकते हैं आप इधर बस्ती जो है सारी बसी हुई हैं, यहाँ से जो है मतलब लुक काफ़ी अच्छा है क्योंकि देखिए ऊपर से ट्रेन फिर उसके ऊपर से लोग जा रहे हैं, तो इधर से मतलब नीचे से देखने मतलब काफ़ी खुशनुमा मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, अब देख सकते हैं। इधर रिपेयरिंग का काम चला है, इस वजह से इस ट्रैक के नीचे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर सारा डिवाइडर नीचे लगाया हुआ है, तो आप नीचे नहीं जा सकते हैं। और बल इधर भी सौदा होता है तो इसलिए यहाँ पर देखिए सारे जो है लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और अभी जब बाढ़ आया हुआ था तो इधर भी सारा पानी पानी हो गया था, तो अभी तो बाढ़ भी ख़त्म हो चुका है तो इधर भी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन पानी भी कहीं कहीं पे अभी जो है रुका हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम लोग घाट से चलकर बाहर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि जब ये गेट बंद है तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है गंगा घाट जाने का रास्ता, और ये गेट बंद है और आप यहाँ देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है भगोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल संचालक श्री सर्वेश्वरी समूह। तो यहाँ का यही व्यू है, देख सकते हैं आप इधर सारा जो है मैदान वगैरह है, यहाँ पर देखिए लकड़ियाँ बिक रही हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।